दोस्तों कहते हैं अच्छे कर्मों की वजह से इंसान को स्वर्ग जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि धरती पर ही एक ऐसा रास्ता है जो सीधे स्वर्ग को जाता है तो आप यकीन नहीं करेंगे। दरअसल चीन के तियानमेन पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जिसे स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है। यही नहीं, यहाँ जाने के लिए आपको महज 999 सीढ़ियां ही चढ़नी होती हैं। तो चलिए जानते हैं स्वर्ग की सीढ़ियां कहाँ से होकर गुजरती हैं। स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन वो कहाँ है ये शायद कोई नहीं जानता। इसी के चलते हम आपको ऐसी सीढ़ियों के बारे में बताएंगे जो सीधे स्वर्ग को जाती हैं। महज 999 सीढ़ियों को पार कर आप स्वर्ग में कदम रख सकते हैं। 5000 फीट पर है स्वर्ग का दरवाजा। स्वर्ग की ओर जाने वाला ये रास्ता कहीं और नहीं बल्कि चीन के तियानमेन में माउंटेन पर है। 1518 मीटर ऊंचे यानी लगभग 5000 फीट के इस पहाड़ पर दुनिया की सबसे ऊंची गुफा है जिसे स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ आपको सफेद बादल भी नजर आएंगे जिन्हें देखकर आपको यही लगता है कि यह स्वर्ग का रास्ता है। कुछ लोग इसे एक गेट ऑफ हेवन भी कहते हैं। इतिहास बताया जाता है 253 ईस्वी में इस पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट गया था जिससे इस गुफा का पता चला। इसकी लंबाई की बात करें तो 196 फीट लंबी, 431 फीट ऊंची और 187 फीट चौड़ी है। इस गुफा की शुरुआत 20वीं शताब्दी में तियानमेन पर्वत के पास एक वाटरफॉल से हुई थी जो सिर्फ 15 मिनट के लिए दिखाई देता था। इसके बाद वो कहाँ गायब हो जाता कोई नहीं जानता। हालांकि अब इस वाटरफॉल का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ एक बौद्ध मठ भी है जहाँ लोग शांति और ध्यान के लिए आते हैं। तियानमेन पर्वत से जुड़ी कुछ और जानकारी। तियानमेन पर्वत के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ खजाने के असीम भंडार हैं। कुछ लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की काफी कोशिश भी की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस पहाड़ पर एक पुल भी बना है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। खतरों से खेलने का शौक रखने वालों के बीच ये जगह काफी पॉपुलर है। स्काई वॉक, अगर आप आसमान को छूना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। दरअसल यहाँ एक ऐसा रास्ता है जो ट्रांसपेरेंट शीशे से बना है। 2.5 इंच मोटाई वाले इस कांच के रास्ते की चौड़ाई 3 फीट है। शीशे का यह पुल 1430 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस खतरनाक ब्रिज को स्काई वॉक भी कहते हैं। कमजोर दिल वालों को यहाँ जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि शीशे का ये पुल बेहद ही खतरनाक है। इस पुल पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ आकर बड़े से बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूटने लगते हैं। ये रास्ता ना सिर्फ रोमांच से भरा है बल्कि अपने अंदर के डर को भगाने के लिए अच्छी जगह भी है। शीशे का यह रास्ता लगभग 40 मीटर लंबा है। स्काई वॉक की मदद से यहाँ की खूबसूरती को करीब से निहारने का मौका मिलता है जहाँ आप गहरी खाइयाँ, विशाल पर्वत, नदियाँ, झीलें इत्यादि देख सकते हैं। इन सभी के अलावा तियानमेन माउंटेन के फेमस होने की एक और वजह है। दरअसल यहाँ की घुमावदार सड़क पर हर साल कार रेसिंग का कंपटीशन होता है। इस रास्ते का हर मोड़ काफी खतरनाक है। यही वजह है यहाँ हर कोई गाड़ी नहीं चला पाता। जरा सी चूक आपकी जान ले सकती है। इस टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर कार चलाना मौत को गले लगाने से कम नहीं। कैसे पहुँचे यहाँ? स्वर्ग के इस द्वार तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला घुमावदार सड़कें और दूसरा केबल वे। केबल वे को रोप वे रास्ता भी कहते हैं। केबल वे की मदद से ना सिर्फ जल्दी बल्कि आराम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे लंबा रास्ता भी माना जाता है जिसकी लंबाई 14,459 फीट है। इस वजह से रोप वे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये रास्ता काफी रोमांच से भरा है जहाँ आपको अलग ही तरह का एहसास होगा। इस रास्ते को पार करने के बाद जो रास्ता आता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। महज 999 सीढ़ियों को पार कर आप स्वर्ग में जाने वाली गुफा में पहुंच सकते हैं। इस गुफा का रास्ता सीधे स्वर्ग में निकलता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 999 स्टेप एक सुप्रीम नंबर है जो सम्राट का प्रतीक है। वर्तमान में यह जगह एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है जहाँ देश विदेश के लोग स्वर्ग के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।